विंडोज 11 ज्यादा डेटा खा रही है, 2 GB 5 मिनट में खत्म हो जाता है, जब भी मैं अपना हॉटस्पॉट लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं तो हाल मैसेज आता है 50% डेटा खत्म। इसी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको आज इस वीडियो में 5 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसके जरिए आपको विंडोज 11 में जो भी नेट ज्यादा खा रहा है लैपटॉप या डेटा ज्यादा खा रहा है उसकी खपत कम हो जाएगी। अगर आपने चौथी सेटिंग मिस कर दी तो फिर मेरे से नहीं कहना कि ये मैंने बताया नहीं। और हाँ, सारी सेटिंग अप्लाई करना जरूरी है, फिर मत कहना कि मेरा लैपटॉप सही नहीं हुआ। तो विंडोज 11 में सबसे पहली जो सेटिंग है कि आप अपने हॉटस्पॉट को पहले अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे कि ये देखिए मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट है रियलमी X7 Max, तो इस पे ये डॉट है, यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली से जैसा आपका ये कनेक्टेड दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एक डॉट बना दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक मीटर्ड कनेक्शन होगा, इसको हमेशा आपको ऑन रखना है अगर आप अपना प्राइवेट नेट यूज कर रहे हैं या फिर खुद का आप डेटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए विंडोज 11 इजीली डेटा की खपत करना बंद कर देता है। पहली बार में ही मैंने आपको ये बता दिया है, बहुत सिंपल है, आप सिंपली इसको ऑफ रहता है ज्यादातर लोगों का, आपको इसे ऑन करके रखना है। दूसरी सेटिंग है वो है आपको ये कैसे डिसेबल करना है और स्टार्टअप ऐप से होता क्या है। देखिए स्टार्टअप ऐप्स को आप जैसे ही डिसेबल कर देंगे तो ये आपके लैपटॉप का बूट टाइम बढ़ा देगा, इवन आपके लैपटॉप की स्पीड भी बढ़ा देगा और आपका जो डेटा लैपटॉप खाता है ज्यादा वो भी शायद कम कर दे, इवन करता ही है शायद, क्या ज्यादातर टाइम में तो ये कम कर देता ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर विंडो आई दबा दीजिए। विंडो आई जैसे ही आप दबाएंगे तो सीधा से आप सेटिंग में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एप्स का, ये देखिए लेफ्ट साइड में एप्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप दिखेगा, स्टार्टअप पे आपको क्लिक करना है और जितने भी ये ऐप में ऑन है वो हमारे बैकग्राउंड में डेटा यूज करते हैं ज्यादातर। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये ऑन है, मतलब ये बैकग्राउंड में डेटा यूज कर रहा है। अगर आप ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर होता है नेम लिखा है ऊपर, इस पे क्लिक करके स्टार्टअप इंपैक्ट डालेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का ज्यादातर इंपैक्ट दिखाएगा। तो सिंपली से आपको जो भी एप्स बैकग्राउंड में नहीं चाहिए उसको यहाँ से आपको सबको डिसेबल कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्रोम चाहिए तो मैं क्रोम ऑन करूंगा, उसके अलावा मुझे कोई भी ऐसा ऐप नहीं चाहिए जो मेरे बैकग्राउंड में मेरा डेटा यूज करे। तीसरी सेटिंग है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कई सारे कंप्यूटर हैं लेकिन आप कई सारे कंप्यूटर को एक साथ अपडेट नहीं लेना चाहते हैं विंडोज का, तो आप अपने प्राइमरी कंप्यूटर के अलावा और किसी कंप्यूटर में वो अपडेट ले सकते हैं जिससे आपका डेटा यूज ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से वही विंडो आई जैसे ही आप दबा देंगे या फिर सेटिंग में चले जाएंगे उसके बाद नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में विंडो अपडेट्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है विंडो अपडेट पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे अभी विंडोज के बहुत सारे अपडेट पड़े हुए हैं। उसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है, ये दिख रहा है ना आपको एडवांस ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ये क्लिप हो जाएगा यहाँ पे आपको नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशंस, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन करके रखना है, यहाँ से इसे ऑन करके रखना, यहाँ से आपको डिवाइस ऑन माय लोकल नेटवर्क पर क्लिक करके रखना है जिससे जो भी होगा आपका जो आप डेटा यूज कर रहे हैं ये लोकल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं जिससे आपका डेटा ज्यादा खपत नहीं होगा। देखिए चौथी चीज मैं आपको बता दूं वो होता है, पहले ये जब विंडो में अपडेट नहीं आया था तो सिंपली से आप बैकग्राउंड ऐप इजीली डिसेबल कर पाते थे विंडो प्लस आई दबा के। जैसे ही आप विंडो आई दबा के सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्स, ये वाला, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता था एप्स एंड फीचर्स, लेकिन अब यहाँ पे आ गया इंस्टॉल्ड ऐप। तो यहाँ पे जाके हम कोई भी ऐसा ऐप उठा लेते हैं जो कि हमारा बैकग्राउंड में डेटा यूज कर रहा है, तो उसके लिए देखिए जैसे मैं प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, इसके साइड में 3 डॉट है, इस पे मैंने क्लिक किया। देखिए एडवांस जो ऑप्शन नहीं दिखाता है वो बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं कर रहा है, और एडोबी एक्सप्रेस है जैसे मैंने इसके पे क्लिक किया 3 डॉट पे, तो यहाँ पे देखिए एडवांस ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे हमारे अपन को पहले बैकग्राउंड डेटा डिसेबल करने का ऑप्शन होता था लेकिन अब विंडोज ने ये हटा दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने पता नहीं क्यों हटा दिया, बहुत अच्छा ऑप्शन था लेकिन जैसे ही ये अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपकी अगर विंडोज 10 प्रो है, 10 होम नहीं 10 प्रो है, तो ये आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, अगली सेटिंग में आपको बताता हूँ आगे। तो आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड डेटा भी डिसेबल कर सकते हैं अगर आपने विंडो अभी रिसेंटली अपडेट नहीं की है। तो अगली सेटिंग है, मतलब जो आपका लैपटॉप है या फिर जो आपकी विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट तक कुछ ना कुछ आपका डेटा बैकग्राउंड में भेजता रहता है जिससे माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज को और इंप्रूव कर पाए, तो उसको आपको स्टॉप करना है। जैसे ही आप देखिए कोई भी चीज अगर आप स्टॉप कर देंगे, वायरलेसली डेटा ट्रांसफर कर रही तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट यूज हो रहा है, तो उसे आपको डिसेबल करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से आपको विंडो आई दबाना पड़ेगा जिससे आप सेटिंग में जंप कर जाएंगे, या फिर विंडो का बटन दबाकर यहाँ से एक सेट आइकन मिलेगा सेटिंग का, तो इस पे जाकर भी आप सेटिंग में यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे
मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लेफ्ट साइड में, इस पे आपको क्लिक करना है। डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक आपको देखना है कहां लिखा है, जल्दी से देखिए। तो यहां पे देखिए ये लिखा है डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक, इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद यहां पे देखिए ये आपका ऑन हुआ होगा, इसको आप सिंपली टर्न ऑफ कर दीजिए। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है ऊपर सेंडिंग रिक्वायर्ड प्लस ऑप्शनल डेटा, ये सारा डेटा है आपको माइक्रोसॉफ्ट तक भेजता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है, तो इसे आप इजीली डिसेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने डेटा की खपत को बचा सकते हैं। अब एक नया तरीका आपको बता देता हूं, अगर आपके पास विंडोज 10 प्रो है तो वो आप इजीली उससे बैकग्राउंड डेटा डिसेबल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, आपकी प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो चुकी है। नॉर्मल यूजर्स के लिए ये सेटिंग काफी है। अगर आपके में ये सेटिंग काम कर जाती है लास्ट वाली तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, विंडो आर दबाना है, क्योंकि मेरे में ये सेटिंग काम नहीं कर रही है। तो आपको विंडो आर दबाना है। जैसे ही आप विंडो आर दबाएंगे तो यहाँ पे एक कमांड खुल के आएगी, इस पे आपको टाइप करना है gpedit.msc। ये जैसे ही आप टाइप कर देंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए मेरे में तो विंडो 10 प्रो नहीं है तो मेरे में चलेगी नहीं। तो जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो एक सेटिंग खुलेगी, उस सेटिंग में लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटेड टेम्पल, उसे आप जैसे ही खोलेंगे उसके नीचे लिखा होगा विंडोज कंपोनेंट्स, उसे आप जैसे ही नीचे खोलेंगे उसमें लिखा रहेगा ऐप प्राइवेसी, और ऐप प्राइवेसी के राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा लेट विंडोज एप्स रन इन बैकग्राउंड, इस पे आप जैसे ही आप यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपके पास वो लैपटॉप है विंडोज 10 प्रो का, तो उस पे आप डबल टैप करेंगे। जैसे ही आप डबल टैप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड डेटा दिखाएगा और इसको यहाँ से आपको डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देना है। तो ये थी सेटिंग जिसके जरिए आप अपने विंडोज 11 में आपका जो डेटा ज्यादा यूज हो रहा है उसकी खपत को कम कर सकते हैं। और एक सेटिंग तो रह गई, अगर किसी के लैपटॉप में विंडोज 10 अभी भी पड़ी है तो ये वाली वीडियो देख लीजिए, उसका डेटा प्रॉब्लम वाली सॉल्यूशन जड़ से खत्म हो जाएगी।